और भैया बस बस ठीक है। इस साल चुनाव का क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, और सबसे बड़ा बात यह है, सबसे पहले तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। लोगों का अलग अलग प्रयास है, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले हम लोग जैसे लोग हम लोग सरकार बनाएंगे जीतेंगे, क्या भी सरकार बनाना है। हाँ तो ये है पब्लिक का, लेकिन वास्तव में अगर ओपिनियन देखना हो, देखिए तीन प्रकार के मतदाता होते हैं ना, एक होता है कट्टर बीजेपी, एक होता है कट्टर कांग्रेसी, तो कांग्रेसी कांग्रेस को वोट देगा, बीजेपी बीजेपी को वोट देगा। एक होता है जो मौन रहता है, ये पेंडुलम टाइप का हिलते रहते हैं, ये ना तो कांग्रेस तरफ जाएगा ना बीजेपी तरफ, वो बात नहीं करता है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो यही जो है पेंडुलम में चलने वाला ये व्यक्ति तय करता है किसको जिताना और किसको हराना है। अब क्या है, जसपुर जैसे जगह में यादव जी के चाय के पास हम लोग बैठे हैं, तो चाय पे चर्चा भी हो जाएगा, अब चाय बन रहा है। लेकिन जसपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जो यहाँ के नेता है बीजेपी के कहा जाए या कांग्रेस के भी कहा जाए, वो वास्तव में अपने जसपुर शहर में भी ठीक से नहीं घूमे हुए ना। जसपुर शहर में कहीं पास वो अपना एक टीम गठित करके हर जगह मोहल्ले में जा करके वोट मांगे हुए, ये आप लोगों शायद मेरे ख्याल से एग्री भी करते होंगे आप लोग। लेकिन जसपुर में एक ऐसा टीम क्रिएट हुआ है शहर में, जहां हमारे कांग्रेस की महिलाएं हर वार्ड में निकली हैं वोट मांगने और प्रचार केवल महिलाएं की ईमानदारी से बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग हैं जिसको कोई मतलब नहीं है, केवल हवा बात करते हैं, सिर्फ घर से दुकान, दुकान से घर, ये लोग तो कार्यकर्ता भी नहीं था बीजेपी में। हाँ एकदम करेक्ट बोला, कार्यकर्ता भी नहीं था। तो क्या है, वो लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से लीड करेगा, क्या रहना लीड करेगा, बहुमत से जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। आओ विजय भैया, आओ आओ बैठ, हमारे विजय भैया भी हैं। तो ये लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, विजय भैया लोग अपने खेत समय के। तो क्या है, ये लोग बोलते थे कि बीजेपी जीतेंगे इतना जीतेंगे। वास्तव में जसपुर में मैं एक सवाल पूछूंगा लोगों से, अगर बीजेपी वाला कोई आए, पूरे 5 साल जसपुर विधानसभा में घूमने वाला अगर बीजेपी का एक नेता मेरे पास आ जाए, उससे अपन डिबेट करें या बात करें तो मजा आएगा। तब पता चलेगा जब आप घूमते, जब आप जमीन में काम करते हैं तो आपको पता चलता है। आपको हम बता रहे हैं, इस बार का चुनाव जो है बहुत ऐतिहासिक होगा, और इस चुनाव में बहुत सारे बड़े बड़े नेता का भविष्य भी तय होगा, कुछ लोग का अस्तित्व तो समाप्त होगा, ये बात आप लिख के रखिए। कुछ लोग खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एकदम खत्म ही हो जाएगा। विधायक को अगर सीखना है तो जाके विनय भगत से सीखे, विधायक क्या होता है, गरीब का सुख दुख में घर पहुँचते है, ये चीज है। तो क्या है कि आदमी बताता है ना कि क्या आप करते हैं, कुल मिलाते अगर देखा जाए तो वो नहीं बता सकते बीजेपी वाले जो जमीन में घूमे नहीं, लेकिन दावा करते हैं। लेकिन अगर मेरा बात करें तो हम बता सकते हैं क्योंकि हम पूरा 5 साल तो नहीं कहेंगे, 4 साल माननीय विधायक जी के साथ में हम घूमे, 4 साल इतना तय कर जगह जानते हैं। तो वहाँ जो लोगों का एक जुनून देखते हैं आदरणीय विधायक विनय भगत जी के प्रति, उनका जुनून देखने बनता है। और ये अभी नहीं, आपको मालूम होगा बीच में बहुत सारे लोग बोलते थे विपक्ष के लोग, अरे विधायक विनय भगत जी कहीं घूम नहीं है, मिलते नहीं है, लोगों के घर नहीं जाते हैं। उनको होश भी नहीं है कि अंदर अंदर आदरणीय विनय भगत जी कितना छेद कर दिए और हॉल कर दिए, एक गाँव टोला पारा कस्बा में जा करके मिले हैं लोगों से। और यही कारण है कि अभी आप चुनाव में देख रहे होंगे हर जगह एक लहर हुआ है। और आपको बता दूं, अभी जो वोट पड़ा है ना, उस वोट में विनय भगत जी को पर्सनल वोट मिला, उनके नाम से पर्सनल वोट दिए विनय भगत, वो पार्टी से ऊपर को उठ करके गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों कि बीजेपी के लोग हों कि निर्दलीय हों कि अन्य कोई पार्टी से हैं या आम पब्लिक हो, वो विनय भगत जी को वोट किए हैं। और बहुत सारे लोग हैं वो पार्टी को वोट किए हैं। तो आप उन्हें बता दो, इतिहास अभी देखेगा ऐसा उलटफेर होगा जसपुर में कि आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसलिए मैं कहा ना कि अभी देखेगा भविष्य तय हो जाएगा कई लोग का जो है ना राजनीति पॉलिटिकल जो करियर खत्म हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, ये चीज। और जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। कुल मिला के आने वाला समय एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा 3 तारीख को, आप देखिएगा। और जो लोग टाउन के लोग है ना, 4 लोग जो कहीं घूमे नहीं है, उनका बोलती बंद हो जाएगा। कई लोग का जैसे विनोद पता है ना,
मटर उठ जाएगा, पॉलिटिकल मटर खत्म हो जाएगा। देखो कई लोग और कई ऐसे लोग हैं उभर करके सामने आएंगे। तो कुल मिला के बीजेपी का हिंसा एवरेज टुकड़ा साफ है राज्य में। अब सरकार अपना कांग्रेस का बनेगा और लेकिन आप देखिएगा जसपुर, जसपुर का इतिहास हम बार बार बोल रहे हैं, कई लोग का ना राजनीतिक करियर का खत्म होगा, मटर हो जाएगा, वो एक इतिहास में दफन हो जाएंगे पन्ने में, उनको कोई याद करने वाला नहीं होगा, ये तय बात। क्योंकि जसपुर की जनता अब जाग गई है, उनको मालूम है, जैसे बताया विजय भैया बताया कि विधायक क्या होता है, राणा बताया कि विधायक क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, ये वास्तव में हकीकत है। तो इसलिए दशा दिशा बहुत चेंज होगा और ये बात मेरा आपको हिंट कर दिए है। चलिए अगली कड़ी में और हम देखेंगे, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भगत क्या किया है क्या नहीं किया है जनता के लिए जनता जानती है। बीजेपी को बोलने का जरूरत नहीं है, मैच आ गया है थोड़ा सा, मैच 15 साल में बीजेपी वोट दिए है क्या समझ के वोट दिए इस बार तो वोट दे दिया बीजेपी। कई लोग ऐसे लोग होंगे जो आपको बताएंगे, आप भी अगर अपना मत रख सकते हैं आइए। आप वोट किए तो किस आधार पर वोट किए इधर दिखा दीजिए बताइए ना। हम तो दिनेश भगत को देख के काम किए, टैंकी की चोट बोल रहे हैं। कट्टर भाजपा का हूँ मैं, लेकिन विनय को वोट नहीं, ऐसा नहीं है मतलब, क्योंकि विनय ऐसा चीज है कि आदमी को घर जाके सहयोग किया है। विधायक था तो मैं बेटी के लिए गया, रिपोर्ट है उसको रिजर्व से मैंने घर में लगता करा वो दिया, उसके बाद रद्द किया जाता है। देखो तो वो चीज बदल दिया, कभी भी चेक हो सकता है। नया दौर आया है, किसको हम झूठ अगर बोल रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब आपका क्या कुछ पद है, आप वोटिंग किए होंगे ना, इधर बताइए कैसे वोटिंग क्या सोच करके दिए। तो बड़े छोटे सबको लेके चलता है विनय भगत, और सोचा जाए तो विनय भगत जितना काम किया उतना बीजेपी ने किया। बीजेपी का चूसने का काम किया है, लूटने का काम किया है, शोषण का काम किया है। तो ये चाय पे चर्चा था, मैं आपको जमीन ये निकाल करते हैं वास्तव में, ये लोग बताएंगे कि कौन क्या किया है। ये न्यूट्रल रहने वाला व्यक्ति राणा ये अपना अभिमत दे रहा है कैमरे के सामने, विजय भैया बता दिए पार्टी के आदमी है, आप ही कुछ बोला बोल सकते हैं। अच्छे हैं, कार्यकर्ता लेके चलते हैं और दुख दुख में सबका काम आते हैं, मतलब शादी ब्याह से लेके कोई भी कोई चला जाए तो बहाना नहीं करते, काम करते हैं। आप पहली बार क्या चाहिए, पहली बार तो विधायक भी ऐसे करते हैं, कोई समस्या है तो भैया बता दे, कोई समस्या है तो बताओ, पहले समस्या पूरी है तो बताओ। और भाजपा का विधायक आज तक गुल्लक के नहीं देखा, घर पे ही है, बोल दिया कि दिल्ली में भी नहीं दिखेगा गुल्लक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज चौरसिया, जसपुर, यूट्यूब।